आज मैं आप सभी को सनी देव की एक कहानी सुनाती हूँ, जिसमें आपकी मुलाकात भगवान शिव से भी होगी। नारायण नारायण करते हुए जब नारद मुनि भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी से कहा कि सनी देव आपकी ओर आ रहे हैं आप पर दृष्टि डालने के लिए, तब भगवान शिव ने बोला कि सनी देव और वो भी मुझ पर दृष्टि, मैं ऐसी जगह जाकर छिप जाऊंगा जहां पर सनी देव मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और वो 7.5 साल गंगा जी के अंदर समाधि लगाकर बैठ गए। जब पूरा 7.5 साल पूरा हुआ तब वो बाहर आए और सनी देव के पास गए और उनसे बोले कि देखे आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाए। तब सनी देव मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप इतने ठंड में 7.5 साल सांस रोककर पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरे 7.5 साल का 7.5 साती का प्रकोप था। तो ये एक ऐसी कहानी है जहां पर हमें समझ में आता है कि सनी देव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच सकते हैं। सभी को एक एक शक्तियां दी गई हैं और जो शक्तियां जिसके पास हैं और वो उसमें सबसे ज्यादा महारत है और सारी शक्तियों को सारे लोग सम्मान करते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।